बताऊंगा तो फिर आवाज आ जाएगी, कंट्रोवर्सी चलने लग जाती है। आप अपनी गाड़ी रैप करा रहे हो तो आपके मन में क्या डाउट रहता है? ये बिना खोले हुई है, ये बिना क्रोम खुले हुए हैं। आज के बाद वीडियो है ना भाई, बताएंगे किस टूटी, जितने आप कमाओगे उससे दुगने लग जाएगा। तो भाई हमारे पास आ गई एक मर्सिडीज CLA 200 जिसको हम रैप कर रहे हैं, और इसकी लगभग लगभग आधी थोड़ी बहुत फिटिंग खुल के थोड़ी बहुत बाकी, पीछे का बम्पर हमने खोल दिया इसका। भाई बहुत नाजुक नाजुक चीज़ें खोलने के लिए बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है इसमें। बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें जो CLA आते हैं ना भाई, इसमें फ्रेम लेफ्ट डोर आते हैं। देखो इसके आगे में भी फ्रेम नहीं है, पीछे में फ्रेम नहीं है, और अंदर भी कुछ आपको इस तरह की दिखेगी, और सनरूफ रहता है इसमें पैनलों में, मतलब ये पूरा शीशा ही बाहर आ गया भाई ऐसे ऐसे इस तरह से। बैक साइड से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बस 700 की ट्रिप दो हैं, एक ये और एक ये, CLA 200 की बैठी मेरी, मर्सिडीज की बैठी मेरी, और साइड लुक उसकी कुछ इस तरह से आएगी, देखिए इस तरह से। मर्सिडीज का जो रैप था हमारा वो लगभग लगभग आधा हो गया, जैसे देखो आपको बोनट दिख रहा होगा, दोनों गेट दिख रहे होंगे। उस्ताद आज से पहले कभी करी मर्सिडीज? डायलॉग चलो मोटा मोटा दिखा देते हैं एक बार भाई। ये वाली साइड उस्ताद पूरी हो गई हमारी, पूरी देखो यहाँ से आपको पूरा पता लग जाएगा भाई किस तरह की, आपको मतलब देखने में आपको मर्सिडीज कैसी लगेगी। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको वाइट, उसमें डेंट है भाई थोड़ा सा भाई, यहाँ है डेंट थोड़ा सा हल्का सा, मेरे को कैमरे में दिख गया है ना वो फ्रंट क्वार्टर पैनल पे भाई, बार बार बता के थक गया मैं तो। जितने मैट होते हैं ना लाइन दिखती है एकदम साफ बिल्कुल क्लियर। और यह फेंडर बैठा रहा अंदर, इसमें मैट में फिनिशिंग की दिक्कत नहीं है भाई, ये बैठता बिल्कुल साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे लगाने का तरीका वो रैप रैप की बात है भाई, चलो बदमाशी वाली ये कलर ही वाला मैट ब्लैक है, इसके शीशे और जेड होते ना सब, हां तो करवा देंगे बात, इसके व्लॉगिंग बना देंगे इसका। और इसको तो गेट है ना, इसमें देखो उस्ताद इसमें मेमोरी सीट है, 1 2 3 और ये सब कंट्रोल है, ये अनलॉक अनलॉक, बाकी ये नॉर्मल जो तो ये बेसिक फीचर है, मतलब फिर भी ये देखो फ्रेमलेस तो थोड़ा अलग है ना, फ्रेमलेस अलग है, फ्रेमलेस थोड़ा अलग है। सीट्स अब लग्जरी लाइन की गाड़ी के लिए नॉर्मल है, ये तो आजकल मतलब महिंद्रा में आ रहा है, होंडा में भी आ रहा है, जब महिंद्रा में आ गया तो होंडा तो बहुत अच्छा है उससे, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगता है ऐसा है ना, कोई मतलब ही नहीं कहीं से। ये थोड़ी सफेद दिख रही है थोड़ा, ये तो ये अभी उस पर क्लैडिंग लगेगी ना, क्रोम बहुत तगड़ा लग रहा है ये, हाँ तो मैट ब्लैक पे खिल रहा है ना अलग से, बहुत बंदे इसको ब्लैक भी करा देते हैं। इसकी फिनिशिंग दिखाओ, ये बिना खोले हुई है, ये बिना क्रोम खोले हुए हुई है। अच्छा अरे तो भाई तो खुल भी नहीं सकता ना, खुल सकता है लेकिन जो चीज की जरूरत नहीं है तो क्यों खोल ली। हाँ ये बात भी ठीक, लेकिन भाई ये नहीं लग रहा पता, बहुत देखो बहुत आंखों से कोई झांक के देखने लगेगा तो बात अलग है। एक बार इसकी भी बराबर कटिंग नहीं निकली, वो लास्ट के लिए छोड़ा हुआ काम। अच्छा तो वो तो फिनिशिंग का काम है ना। तो भाई CLA 200 का एक बार ना बूट स्पेस देख रहे थे क्या कहता है ये लो भाई, बाबा देखने में छोटे लग रहे थे, स्पेस तो बहुत है इसमें लगभग, ये स्टेपनी टाइप का कुछ भाई है, ये स्टेपनी है, कवर है देखो, ये टायर, ये स्टेपनी टायर है, साइड में रखा है उसका, ये इसकी टेल लाइट होगी, और यहाँ छोटा लैम्प है भाई, काफ़ी यहाँ वायरिंग वायरिंग रखी हुई है, अब ये पता नहीं मुझे किस चीज़ की वायरिंग है, और बाकी भाई ये कुछ है इसका समझ में नहीं आता हमारे तो, क्योंकि हमने कभी चलाई मर्सिडीज हमें कहा पता, लेकिन कुछ ऐसे बंद हो जाएगी। ओहो अपना बंद ना होती है तो, ये तो धक्का मार के बंद करनी पड़ेगी भाई, बोले बंद। हाँ ऐसा है चंदर, तुमने कभी करी मर्सिडीज है? अरे तेना करी कभी? हो तेना करी मर्सिडीज? हाँ दिखाओ फोटो, दिखाओ रील, दिखाओ बहुत सारी दिखाओ। अरे चलाने की दिक्कत थोड़ी, चलाने की तो हमने बहुत चलाई, हाँ हम तो ऐसे ही चला लेंगे, अंदर से कितनी तकलीफ लगती है। ये लो भाई, हाँ सब चलाई है हमारे गौतम, तैनी भी चलाई है फरारी अरारी सरारी, देखी की नहीं चुनी ये, इसमें मुझे लग रहा है टाइम लेस बन रहे होंगे इसमें, इसके है ना रैप वर्क, इसके ऊपर का माउंट भी ब्रेजम है। अरे ले आई भाई, जुगाड़ कर रखा है, गोल्ड ट्राइपॉड लगा के देखो, ये अलग है तो भाई हिलता थोड़ी है, ये भी परमानेंट जुगाड़ है। आ तेरी मिले फोटो ना मिले, हां दिखाओ, अरे ये रैप होते हुए दिखाओ,
रैप होते हुए रैप ना पीपीएफ करी थी भाई। ये तो हेडलाइट है इसकी, ये मतलब थोड़ी ब्लू शेड लग रही है, ऐसी आती है भाई ने कुछ करा रखा है भाई ने, इसका वो चला रखी है ब्लू वाली स्मोक, वो जो मतलब थोड़ी पन्नी टाइप की होती है ना, मैं वही कह रहा थोड़ा अलग से लग रहा देखो यार। लेकिन हाँ है भाई ये थी। बहुत ना के पता इंजन का कुछ पता है इसका क्या हिसाब है, मतलब सीसी का है ऐसा कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया, 2000 के आसपास तो होगा पक्की बात है। इंजन ऐसा रखा हुआ है मतलब है तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव, ये तो सब अरे वो तो है ही, इतनी लंबी कहां है रियल व्हील ड्राइव थोड़ी है। ये इंजन ये बंदे को पता नहीं होगा, आपका इंजन अगर सीधे में रखा है ना तो हाँ। आपका रियल व्हील ड्राइव है। अच्छा इंजन ऐसे रखा है तो मतलब ऐसे फ्रंट व्हील ड्राइव है। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और सिलेंडर विलेंडर तो भाई कुछ इसमें दिखना नहीं भाई, कवर लगा रहता है ना इस पे तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। रहने दो पड़ी लकड़ी मतलब यार, और तुम्हें तो सब पता हो भाई, अब भी ना बता पाओ। ये इसका टर्बो, पेट्रोल का टर्बो, ये पेट्रोल है, ये रन टर्बो का विसल। ओके ये तो भाई खेचम खेच भक्ति होगी इंजन। हां भाई कभी देखे मर्सिडीज के इंजन? देख सिलेंडर बताऊं? हां सिलेंडर बताओ। देख भाई अपने बालक, ये सामने खड़ी तो है, खड़ी तो है, पांच सिलेंडर हैं ये इसमें, पांच सिलेंडर, पांच सिलेंडर देखो आपके चार या पांच छह जितने भी सिलेंडर होंगे उसमें सारे बंद होकर खाली दो सिलेंडर चलेंगे और गाड़ी पूरे घंटा एक बार एक घंटा स्टार्ट होने में एक लीटर तेल खाएगी बस, हमारी गाड़ी से भी ज्यादा एवरेज है उसकी। फिर खड़ी गाड़ी में आपको कहने का मतलब ये है कि खड़ी गाड़ी में सारे सिलेंडर बंद हो जाएंगे, खाली एक या दो सिलेंडर पिस्टन चलता रहेगा ताकि गाड़ी गाड़ी भगानी तक नहीं, खाली एसी चलाना है, इंजन स्टार्ट है। मतलब ये ब्रेजर छोड़ के ऐसे ले लो, उसके जितने फ्यूल इंजेक्टर होते हैं ना वो सारे बंद होकर खाली एक या दो में फ्यूल जाएगा तो अपने पेट्रोल पंप के डीजल पंप। ये टेक्नोलॉजी किसी किसी में होगी भाई, इससे ज्यादा तेल तो सिस्टम सुनाने में लग जाता है। तो भाई मर्सिडीज का जो है ना लगभग सारा रैप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ टेल लाइट लगानी चालू की, बम्पर कर दिया, ये पेट्रोल टैंक रह रहा बस थोड़ा सा, और ये बिडिंग रह रही है, बाकी जो फ्रंट का बम्पर है बस एक यही रह रहा है, मुझे लग रहा है ये भी हो चुका है, वो देखो वो रहा वहाँ चंद्र कर रहा है, बाकी एक साइड हमारी पहले भी कल भी कंप्लीट हो गई थी, लगभग आज भी कंप्लीट हो गई है। चंद्र कोई दिक्कत परेशानी आ रही है करने में, चल रहा है काम अच्छा? सही चल रहा है, थोड़ा टाइम लगता है देखो बम्पर में करने में भाई टाइम लगता है क्योंकि इसमें कर्व बहुत होते हैं और ये सब चीज़, ये जब ये किनारे हैं ये सब बैठाने में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। आज से पहले कभी लगाई मर्सिडीज की लाइट? तो बिना लगाए थोड़ी लगा रहा हूँ। चंदर खेल गया ये, देख रहा है सीख गया हमारी बातें, सीख गया अब ये डायलॉग याद हो गए ना मेरे, तो पूरे दिन हम आजकल यही करते हैं भाई, देखो जीरो जीरो रात दिन का फर्क है हमारे काम में, देखो रात दिन का फर्क है, पहले ये सफेदी अब हमने रात कर दी अभी होगी काली। तो भाई फाइनली जो है ना ढक्कन वक्कन सब हो गए हैं इसके, ढक्कन बोले तो फ्यूल टैंक बोले तो अरे क्या कहते हैं इसको, फ्यूल टैंक का कैप, फ्यूल लिड इंग्लिश में, फ्यूल लिड। हाँ जी चंद्र साठ बताओ क्या कहते हैं इसको, पेट्रोल टैंक। हाँ, अरे पेट्रोल अंदर है, ये कैप है, अरे चंद्र तुमने कभी करे मर्सिडीज का टैंक भाई? देखो अंदर से भाई डिटेलिंग भी चालू हो गई, डिटेलिंग बोल दो क्या देसी भाषा में, ड्रैगलिन देसी भाषा में ड्रैगलिन। अरे वाह भाई वाह, लॉर्ड ने चमका दी भाई, अनुज तू गैली बोल दे कर यार। पर रैप का काम हो गया प्रॉपर कंप्लीट, अब यहाँ नंबर प्लेट लग गई, बाकी कुछ नहीं है, अब सारा काम कंप्लीट है, एक बार फ्रंट से देख लो आप कैसे लगी, बाकी अभी साफ सफाई होनी बाकी। तो भाई इस साइड से भी कंप्लीट हो गई, रैप हो गया पूरी कंप्लीट, हमने ना इसका भाई जो पैनल सन रुक था इसका, ये हमने मैट ब्लैक कर दिया, कस्टमर की डिमांड थी तो हमने कर दिया, ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ग्लॉसी था ये। आज तो पहले कभी करी है मैं तो भाई मजा आता है, लेकिन हमारे भाई का काम बहुत अच्छा है, और ये गाड़ी भी मतलब हमने ब्रीजा वेन्यू या
बहुत कई गाड़ी की तो कस्टमर मना कर रहे थे, जो हमने और लग्जरी गाड़ियां कई चली लेकिन उनकी कहीं आपको स्टोर या वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पीपीएफ हुई रैप ही हमने पहली बार करी है। हाँ, रैप कोई लग्जरी गाड़ी पहली बार करी, सिराफी वगैरह ऑडी करी है, बीएमडब्ल्यू करी है, बताइए। तीन चार सवाल जो भाई, मतलब आप अपनी गाड़ी रैप करा लो तो आपके मन में क्या डाउट रहता है? पहले तो देखो, सबसे पहला डाउट तो ये है भाई, वो लीगल है कि नहीं है। देखो मैं एक छोटी बात बता दूं, जो बंदा रैप कराना आएगा ना, वो पहली बात तो लीगल इलीगल को देखे जाएगा। शौकीन आदमी आएगा, ये शौक के पैसे भाई, हर आदमी 30-40 हज़ार खर्च नहीं करता। पहली बात तो पुलिस से दिक्कत, गाड़ी पूरी मतलब एक एक चीज भी खुलेगी तो रैप नहीं, हम रैप कर रहे हैं, पीपीएफ नहीं कर रहे, नॉन साइबर कर रहा हूँ। तो भाई मैं एक एक बहुत बहुत छोटी छोटी चीज है, बम्बर खुलता है, लाइट उठती है, साइड में बिल्डिंग खुलती है, तो इसमें जिक्र थी होता आदमी खोने के लिए। बड़ी पहली बात तो चलो, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई ये बलेनो है या ब्रीजा है, ये छोटी मोटी गाड़ी है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया खोलते हमने 2-3 दिन बाद खोल रखी ब्रीजा। भाई इसे खोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए खोलेगा। नहीं तो उस्ताद एक भी अगर एक भी चीज टूटी, जितने आप कमाओगे उससे दुगने लग जाएगा। देखो जिम्मेदारी का क्या, मैं पैसे में एक तरह से मानता हूँ, पैसे में जिम्मेदारी है और पैसे जिम्मेदारी के तो है नहीं। तो भाई जो रैप आपका इसमें लग रहा है ना, वो आपको होंडा सिटी में लग रहा है, लेकिन कॉस्टिंग जो है 10,000 रुपए का फर्क है। वो जिम्मेदारी कहीं है उस टाइम के, होंडा सिटी में खुलने में लगा 10 मिनट, इस गंपर में लगा 1.5 घंटा। भाई अभी हम अभी तो कह रहे हम इस व्लॉग में ना, हम भाई के व्लॉग में हम दिखा दे रहे हैं रैप कैसे कर रहे हैं, इनका थोड़ा अलग कंटेंट है ये, थोड़ा बात तो पहली बार हम बात कर रहे हैं, नहीं तो भाई करता है आराम से आराम। मगर भाई बात करेंगे, आज बात बात करेंगे तो मजा आता बात करने, तो पब्लिक को समझ आना चाहिए कि हमने इसमें क्या काम करा। लीगल वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, फिटिंग सारी खुलती है ये बता दिया। अब बंदे को टाइम कितना लगता है भाई, डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है, लेकिन कम से कम 2-3 दिन हम लेते हैं मैक्सिमम है। लेकिन बंदे भाई हमने देखा है मार्केटों में 100 रुपए। मैंने आपको एक रील भेजी थी, अगर आपको याद हो तो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बंदे को बोलते भाई नाम लेगा, एक बंदा भाई पेड़ के नीचे रैप कर रहा था। मैं कलर में नहीं बताऊंगा, कलर बता दूंगा तो फर्क आवाज आ जाएगी, कंट्रोवर्सी चलने लग जाती है भाई। ये एक बेसिक फर्क होता है, रैप सब एक ही लगाते, मैन पावर का, फिटिंग का, लेबर के पैसे होते हैं, वर्कमैनशिप के, फिनिशिंग के पैसे होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा हम दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी कंपटीटर है, खुद लोगों का काम देखो, उन्होंने क्या काम करा, फिर अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज करो। ये सनरूफ है गाड़ी के, बंदे कहेंगे सनरूफ भी रैप, भाई कस्टमर की डिमांड थी तो कर दी। जब ये गाड़ी आई थी ये पिलर में कुछ नहीं दिख रहा था, ये तो याद होगा ये मैट था भाई, नहीं मैट नहीं था, ग्लॉस नहीं, मतलब इसमें स्क्रैच इतने थे, सकल मैट जैसी थी, इसमें स्क्रैच इतने थे, इसकी हमने कर दी डिटेलिंग, आप देख सकते हो ये पूरा बन गया। जब ये बस के काम करना नहीं होता, वो ग्लॉस रैप लगा देते हैं, तरीका होता है बंदे इसको पेंट कराते हैं, पेंट हम भी कराते हैं, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, हमने भी रैप कर दिया, फिनिशिंग आप देख सकते हो भाई। हां भाई इसे दिखाओ, हमारे ब्रेजा का तो लगा रहे थे हमने भाई, हमारे कर दिया। और भाई ये कुछ बूट आप देख सकते हो, लोगो बैजिंग फिनिशिंग दिखा दो, चक्कर क्या था ना, देखो चंद्र ने भी कर लिया था जिंदगी ये कार थी, उन्होंने देख लिया, लेकिन जब मैं इसको देख रहा था ना, तो मेरे को यहाँ वाइट दिख रहा था, मेरे को यहाँ दिख रहा था वाइट, तो मैंने बताया उसका रीजन है कि ये गाड़ी की जो पीछे एंगल है ना, यहाँ गैप ज्यादा है, वहाँ गैप कम है, यहाँ लाइट में कैप ज्यादा है, वहाँ लाइट में कैप कम है, तो हो सकता है पहले कभी हिट हुई हो या डेंटर से भाई ना भी हो तो हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से वाइट दिख रहा था, जिन तो गाड़ियों में ये चीज स्टॉक होती है ना, तो वहाँ कभी दिखता नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लॉकिंग टेप करा, लॉकिंग टेप होती है, अब ये दिख रही है ना, बस किसी गाड़ी को वाइट ना दिखे बस। तो भाई इंट्रो था बाइक स्टाइल में, आउट्रो करेंगे अपने स्टाइल में। तो पहली बात, किसी को रैप से, ऑडियो सेटअप से, पीपीएफ से, सिरेमिक कोटिंग से, डिटेलिंग से कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8929280060, और एड्रेस है हमारा सीट रोड नोएडा सेक्टर 10 नोएडा। इंस्टाग्राम हैंडल है mods.mission। तो भाई वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाइएगा। टिल देन बाय।